आप सभी लोगों को आज करेंट अफेयर्स के अंदर एक ज्योग्राफिकल करेंट टॉपिक हम बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि ये हाल ही में एक न्यूज के रूप में चर्चा का विषय रहा है। ला नीना मौसमी परिघटना की शुरुआत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम बताते हैं कि लाल लीना जो है इधर न्यूज में हाल ही में क्यों चर्चा का विषय में रहा, तो उसके बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक मौसम विभाग है, वो जारी किया है एक अलर्ट मोड में, घोषणा किए हैं कि ला नीना का प्रभाव जो है प्रशांत महासागर में शुरुआत हो चुका है। तो ये तो न्यूज के रूप में रहा, जो कि कई देशों में इसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। तो अब हम सबसे पहले ला नीना के बारे में तो न्यूज में चर्चा रहा ही, लेकिन हम इसके बारे में कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट हम के रूप में दे देते हैं कि ला नीना का प्रभाव किस तरह से होता है। तो ला नीना का जो प्रभाव है वो प्रशांत महासागर में घटित होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री पर स्थित होता है। तो विषुवत रेखा पर जो है सूर्य का रोशनी का एक सीधे तौर पर पड़ने के कारण वहां पर गर्म की स्थिति बनी हुई रहती है। तो जब विषुवत रेखा के पास जब गर्म की स्थिति होती है, तो वहां के जो जल है, पानी है, या वहां जो हवा है, वो सभी गर्म रहती है। जल का प्रवाह भी जो है गर्म के रूप में प्रवाहित होता है। जो पवन है, जो व्यापारिक पवन है, वो भी गर्म के रूप में रहती है। तो हम ला नीना का प्रभाव प्रशांत महासागर में कैसे घटित हो रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, जो कि पेरू के तट के पास हम बता रहे हैं, या हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग में, यहाँ से जो गर्म जल की प्रवाह है वो तापमान के साथ जो है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। तो उसके साथ क्या होता है कि धीरे धीरे जब जल पूरब से पश्चिम की ओर आता है, तो जल जो है यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, एक गर्म जल जो कि दोनों तरफ से उत्तरी व्यापारिक हवा और दक्षिण से भी व्यापारिक हवा जो है दोनों ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरह से पूरा प्रवाहित किया जाता है, तो इधर की ओर आता है। तो यहाँ पर जमा होने के बाद क्या होता है कि एक यहाँ पर गर्म जल तो होता ही है, लेकिन टेम्परेचर भी जो है तापमान भी गर्म हो जाता है और प्रेशर जो है यहाँ पर लो हो जाता है। तो जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है, जब यहाँ गर्म की स्थिति होता है, तो यहाँ पर गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठने लगती है। एक तरह से हम कह सकते हैं वाष्पीकरण होने लगता है। तो ऊपर की जो ओर जब उठने लगती है, तो यहाँ पर एक क्लाउड का निर्माण होता है, बादल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में, एशिया का पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया का पूरा उत्तर क्षेत्र में पूरे बारिश की संभावना बन जाती है। अब जो है ये व्यापारिक हवा जो है इस एक सर्किल मोड में चलते हैं। तो व्यापारिक हवा जब पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, तो फिर यहाँ से जब जमा हो रही है यहाँ पर गर्म हवा, तो यहाँ से हवा जो है विक्षेपित हो जाती है कुछ, मतलब इस दिशा में कुछ, सीधे दिशा में कुछ, हिंद महासागर की ओर चल जाती है। तो हवा जो है फिर यहाँ से इस तरह का मूव होती है, इस तरह से मूव होते चल जाती है और फिर यहाँ पर एक पेरू तट के पास मूव होते हुए आपके यहाँ पर जमा हो जाती है। और नीचे से भी एक ठंडी जलधारा है पेरू, या उसको हम्बोल्ट जलधारा भी बोलेंगे। तो यहाँ से ये भी नीचे से यहाँ पर आके पेरू के तट पास आके जमा हो जाती है। तो इस केस में यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर एक जल जो है यहाँ पर ठंडा हो जाता है और साथ में यहाँ पर तापमान भी जो है कम देखने को मिलता है, लेकिन प्रेशर जो है ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में तापमान कम होने के कारण
और प्रेशर ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में जो है पेरू वाला तट के पास जो है एक सूखा की स्थिति बन जाता है, और यहाँ भी गर्म हवा जो है थोड़ा सा इधर से जो आती रहती है तो यहाँ भी थोड़ा वेपराइजेशन होता है, तो इस क्षेत्र में कुछ वर्षा की संभावना भी बनी हुई रहती है। तो इसी का जो है इसी का प्रभाव देखने के बाद जो ला नीना है जब प्रभाव शुरुआत हो जाता है पूरे, तो उस स्थिति में भारत और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बारिश तो होते ही है, ठंडे के मौसम भी प्रभाव पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है जो भी कंट्री है तो उसके लिए बेहतर ही माना जाता है।